अमृतसर में कोरोना के 17 नए मामले सामने आने से मरीजों की संख्या बढ़कर 630 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 17 नए मामलों में 13 मामले भूषणपुरा, कांगड़ा कॉलोनी, शरीफपुरा, वेरका, तुंगबाला, लॉरेंस रोड, जमाल रोड, फ्रेंड्स कॉलोनी, गुमटाला, अजनाला और गेट हकीमा से आए हैं। 4 रोगी कोरोना पीड़ित अवतार सिंह पंडोरी महिमा निवासी के संपर्क में आए हैं। इसके अलावा तहसील अजनाला में BSF के 16 जवानों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अपडेट रिपोर्ट क्या है साहब? आज हमारे यहाँ 17 पॉजिटिव केसेज आए हैं, जिनमें से 13 जो हैं हमारे फ्लू कॉर्नर से सिम्टोमेटिक केसेज रिपोर्ट हुए हैं और 4 केसेज कंटेक्ट के हैं, जो ऑलरेडी अवतार सिंह जिनकी डेथ हो चुकी है उनके रिश्तेदार हैं, जिनमें एक उनकी वाइफ है और 3 उनकी बेटियां हैं। ये 4 ये पॉजिटिव हैं, टोटल 17 पेशेंट आ जाए हैं और एक डेथ जो है वो रिपोर्ट हुई है किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से। ये जो नए केस आए किन किन इलाकों से आए सर? सर ये एक है भूषणपुरा, एक कांगड़ा कॉलोनी, कटड़ा सफेद, श्रीपुरा, बेरका, तुंगबाला, लॉरेंस रोड, सी डिवीजन एक ASI हैगा, चबाल रोड, फ्रेंड्स कॉलोनी, गुमटाला, चिमियारी, अजनाला ते गेट ही कमा रोड। ये 13 पेशेंट लगी है सर। कोई 16 जवान भी आए हैं अजनाला के, कोई बटालियन गुजरात से आई, तो कोई रिपोर्ट है अमृतसर से जुड़ी है? जी हाँ, कल हमारे पास रिपोर्ट आई थी अजनाला के BSF के 16 जवान जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं। उनको जलंधर, उनका हेडक्वार्टर है वहाँ पे, उनको क्वारंटाइन कर दिया गया है। केस सर बढ़ रहे हैं लगातार और सैंपल जैसे जैसे आप जांच ज़्यादा कर रहे हो वैसे वैसे केस बढ़ रहे हैं, हालात बहुत ख़राब हैं तो फिलहाल। और सबसे बड़ी बात है कि जो रिपोर्टें नहीं आ रही हैं आपके सिविल हॉस्पिटल से कोरोना की रिपोर्टें 8-8, 10-10 दिन, उसमें बड़ी लेट लतीफी हो रही है सर। वो मैंने काफ़ी स्ट्रीमलाइन करा दी है, कल हमने 1238 सैंपल जो है कल भेजे थे। ये जो अब रिपोर्ट का पार्ट है वो उधर से मेडिकल कॉलेज की लैब से देरी हो रही है, हमने जो अपना पेंडिंग था वो सारा वहाँ पहुँचा दिया है। सर तुली लैब से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं काफ़ी वाद विवाद शुरू हो रहा है, अज विक्की दत्ता वालों भी उत्ते हंगामा किया जा रहा है कि वो परिवार दियाँ रिपोर्टा पॉजिटिव आई हैं जबकि पूरा परिवार नैगेटिव से। असी उन्होंने लैब का ऑडिट करवा के जड़ियाँ डिस्क्रिपेंसीज है हायर अथॉरिटीज को असी इनफॉर्म करता है, जो एक्शन लिया जाएगा हायर अथॉरिटी वालों लिया जाएगा। सर लगातार उत्थे रिपोर्टा टेस्ट हो रही हैं, उन्हें रोकी नहीं जा सकती हैं क्योंकि पहला भी रानीकाबाग ये जो एक्शन आ हायर अथॉरिटीज ने करना, इस करके जी डिस्क्रिपेंसी करके जड़ा उन्होंने लैब का ऑडिट करने वास्ते किया। सारिया ही लैब पंजाब दियाँ चाहे वह सरकारी है चाहे प्राइवेट है, सारे का ही लैब ऑडिट होया करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट D5 चैनल हिंदी।